नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने 59 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कल कर दिया था और इसके बाद अब बीजेपी में बगावत का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे और ये बड़ी खबर टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। तो टिकट वितरण के बाद ये बगावत बीजेपी में देखने को मिल रही है। नरेंद्र नगर में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है और खबर ये सामने आ रही है कि पूर्व विधायक नरेंद्र नगर के ओम गोपाल रावत, जिनको टिकट नहीं दिया गया, सुबोध उनियाल को वहां से टिकट दिया गया है, तो ओम गोपाल रावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसका ऐलान भी वो कर चुके हैं, एक वीडियो के जरिए उन्होंने ये बात सामने रखी थी। और इसके बाद अभी फिलहाल जानकारियां ये मिल रही है कि ओम गोपाल रावत जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी भी नरेंद्र नगर की इस विधानसभा सीट पर बना सकती है। तो नरेंद्र नगर विधानसभा सीट का जो गणित है, 2017 का विधानसभा चुनाव जब वहां पर हुआ था तो सुबोध उनियाल वहां से विजयी हुए थे, सुबोध उनियाल ने चुनाव जीता था। सुबोध उनियाल इस वक्त कैबिनेट मंत्री भी हैं और ओम गोपाल रावत, उस वक्त भी ओम गोपाल रावत को टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद ओम गोपाल रावत 2017 में नरेंद्र नगर की इस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे थे और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे। एक तगड़ी फाइट नरेंद्र नगर की इस विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में देखने को मिली थी। हार जीत का अंतर बेहद कम था और अब इस बार भी जब ओम गोपाल रावत को टिकट नहीं दिया गया तो नाराजगी उन्होंने इस पर जाहिर की है। उनके तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे रायशुमारी करने के बाद और एक बगावत भी नरेंद्र नगर में देखने को मिल रही है। विरोध भी कई लोगों ने किया है सुबोध उनियाल को वहां पर टिकट देने का। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी भी बना सकती है। फिलहाल ये जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बयान सुनाते हैं ओम गोपाल रावत ने क्या कुछ कहा इस टिकट वितरण के बाद। विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे था। हम लोग 2017 में भले ही निर्दलीय लड़े होंगे लेकिन हमने कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी विरोध नहीं करा। हमारा प्रत्याशी का विरोध था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से बिल्कुल अलग थे, लेकिन हम लोग जनता के आदमी थे। हम आज आप देखेंगे पूरा का पूरा हमारा पूरा 8 पट्टियों के लोग, हमारी दोनों नगर पालिकाएं, चाहे वो नरेंद्र नगर हो, हमारी 14 बीघा ढालवाला की हो, या तीसरी नगर पंचायत हमारी गजा की हो, सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज हमको इस विचारधारा को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया है, क्योंकि इनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो ढींगा मिस्ती करके, जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करें, जिन्हों पैसा पूंजीपति चाहे वो कैसे भी पैसा कमा रहे हैं, इनको उन लोगों से लेना देना है। इनको आज जिस बंदे ने उत्तराखंड को गाली दी हो, जिस उत्तराखंड की जनता को हरामखोर बोला हो, उसको टिकट दे दिया, और जिसने उत्तराखंड के लिए गोली खाई है, उत्तराखंड आंदोलनकारी में अकेला उत्तराखंड आंदोलनकारी था, इनसे टिकट ले रहा था, जो 17-17 बार जेल गया इस उत्तराखंड के लिए, गोली खाई है, उसका टिकट काट दिया, और जो जिसने गाली दी उत्तराखंड को हरामखोर बोल के, उसको जो है टिकट दे दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है दिख गया है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, कोई भी विचारधारा जब इधर आ जाती है तो इनको वो अच्छी लगने लग जाती है। और जो अपने लोग हैं जो इनके लिए हमेशा काम करते रहे हैं, इनके लिए हमेशा दरियां बिछाते रहे हैं, इनको 2 सीट से जो है 300 से ज्यादा सीट इनको पार्लियामेंट में दिए, यहाँ जो है 2/3 बहुमत जो है उत्तराखंड में दिया, उस विचारधारा से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हमने भी कोई ठेका नहीं ले रखा कि हमेशा हम लोग भी सिद्धांतवादी बन जाए, जब इनके कोई सिद्धांत नहीं है। तो इस वक्त फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जुड़ चुके हैं। ओम गोपाल रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। सबसे पहला सवाल ये कि टिकट की दावेदारी 2017 में भी थी, इस बार भी थी, लेकिन टिकट नहीं दिया गया पहले, तो इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। ज्यादा सीट इनको
धन्यवाद आपका। बस सब जो है भाजपा, आज वो वाली भाजपा रही नहीं है कार्यकर्ताओं के सिद्धांतों की पार्टी, आज इन्होंने जो है बिल्कुल तिलांजलि दे दी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी, आज जो है ऐसे लोगों के सिद्धांतों से चल रही है कि जिनका खुद ही पता नहीं है कि वो कल इस पार्टी में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। वो सिर्फ ढींगा मस्ती करने वाले लोग, सिर्फ अपने लाभ। अब हम लोग जी ओम गोपाल जी, क्योंकि एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्योंकि एक बयान भी आपका सामने आया था, तो अब क्या माना जाए, अगला कदम क्या होने वाला है, खबरें हैं कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए हमारे सारे जो हैं पूरे क्षेत्र जो बहुत दुरुस्त वाला है, हमारी 8 पट्टियां आती हैं विधानसभा नरेंद्र नगर में जी, और 3-2 नगर पालिकाएं हैं और 1 नगर पंचायत है, तो वहां के तमाम संचालन समिति है, तो सब लोग जो है बैठ के जो है तय कर रहे हैं अगला कदम जो है क्या होगा। ये सारे हमारे सभी जो लोग हैं उनकी राय के अनुसार ही होगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम गोपाल रावत जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, जिनको लेकर की खबरें, हालांकि अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है। उनका कहना है कि उनका अपना जो है वो एक जनाधार है और एक लंबी चौड़ी विधानसभा है नरेंद्र नगर की विधानसभा, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके समर्थक हैं और सभी लोग इस फैसले के बाद उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जो भी डिसाइड किया जाएगा नरेंद्र नगर विधानसभा की जनता के हित में डिसाइड किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ओम गोपाल रावत जो कि नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि फोन लाइन पर जब उन्हें जोड़ा गया था तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो सभी जो चुनाव संचालन समिति हमारी बनाई गई है उसके द्वारा तय किया जाएगा और फिर इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। तो नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल जो कि कैबिनेट मंत्री वर्तमान समय में थे, उनको टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से और इस पर जो बगावत है, नाराजगी है, ओम गोपाल रावत की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उनका कहना यह है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी अब नहीं रह गई है, इसमें जो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं उनकी पूछ नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है और फिलहाल खबरें यह है कि कांग्रेस में पूछ मिल रही है। तो नरेंद्र नगर विधानसभा से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जो हैं वो कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं और अब क्योंकि आज कांग्रेस की लिस्ट भी जारी होनी है तो जो भी तमाम अपडेट्स होंगी वो आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कल जारी की थी और इसी बीच अब खबर यह है कि आज कांग्रेस की भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए जो कैंडिडेट हैं, करीब 60 प्रत्याशियों के जो नाम सामने आ रहे हैं उनके नाम जारी हो सकते हैं आज कांग्रेस के। तो दिल्ली में लगातार इस पर कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हैं वो लगातार वहां पर चलती आ रही हैं। उसी बीच अब खबर ये कि आज कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है, इसमें अब किन-किन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं उन पर भी लगातार नजरें रहेंगी, लेकिन बताया ये जा रहा कि 60 प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट आज कांग्रेस भी जारी कर सकती है, क्योंकि 14 तारीख को कांग्रेस को अपनी पहली लिस्ट जारी करनी थी लेकिन उसके बाद समय लगातार आगे बढ़ता गया और इससे पहले ही बीजेपी ने क्योंकि अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर ली है, तो अब खबर ये कि कांग्रेस भी अपने 60 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कर सकती है। 10 सीटों पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर भी मामला फंसा हुआ है। अब ये 10 सीटें कौन कौन सी हैं इन पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो इसी बीच ये खबर, कांग्रेस भी आज अपने करीब 60 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, 60 प्रत्याशियों के नाम घोषित कांग्रेस के द्वारा आज किए जा सकते हैं।
तो कांग्रेस की तरफ से भी आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले अपने जो 60 कैंडिडेट्स हैं, 59 कैंडिडेट हैं विधानसभाओं के लिए, उनके नाम बीजेपी ने जारी किए थे, और कांग्रेस भी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उस पर जो भी तमाम अपडेट्स होंगे लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीपी चेक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह कि विधानसभा चुनाव के लिए आज से उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। 28 जनवरी नामांकन की आखिरी डेट होगी। इसी बीच क्योंकि तीन जो सार्वजनिक अवकाश हैं, उन तीन दिनों में नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और प्रत्याशियों के पास बेहद कम वक्त इस वक्त अब बचा हुआ है। 28 तारीख को नामांकन की आखिरी डेट है और आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, तो यह नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं और सिर्फ लिमिटेड चुनाव से जुड़ी हुई 28 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन कर पाएंगे और आज से ये जो नामांकन की प्रक्रिया है ये उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 28 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया उत्तराखंड में चलेगी। जितने भी तमाम कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी रखी गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हर नामांकन सेंटर पर रखे जाएंगे। और क्योंकि विषम परिस्थितियां उत्तराखंड की भी है, मौसम भी इन दिनों खराब है, तमाम जगहों पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, ऐसे में नामांकन को लेकर के भी काफी सारी चुनौतियां रहने वाली हैं। तो ये उत्तराखंड की फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताई है। टिकट वितरण के बाद जो बगावत है वो देखने को मिल रही है। नरेंद्रनगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत की खबरें हैं कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनको फोन लाइन के माध्यम से आप लोगों ने सुना, उनका कहना था कि जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी बीजेपी में की जा रही है और जो भी फैसला होगा वो उनके जो तमाम चुनाव संचालन समिति है उनके अपने कार्यकर्ता है वो फैसला लेंगे, वो फैसला तय करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और आज से ही उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।